वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन। वाहिगुरु जी संगत के चरणों में बेनती है, जो नवे व्यूज़ आ रहे हैं चैनल के उत्ते, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करो ते प्रेस करो बेल आइकन बटन, ता जो नवी नोटिफिकेशन आप जी नूं टाइम नाल मिलती रहे। वीडियो प्रति कोई भी क्वेश्चन होवे तां सेवादारां नाल संपर्क करो, साडे नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राज कौर, वाहिगुरु जी, आ जाओ आप जी। मैं कौन करूं? गुरु रूप प्यारेदार संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। शुक्राना गुरु साहिब जी दा, कोटन कोट शुक्राना गुरु साहिब जी दा। जिन्नी वारी भी कही उन्नी वारी थोड़ा वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी बख्शिश शेयर करनी सी। जिदा गुरु साहिब जी ने बाणी विच लिखे एक एक गल, गुरु साहिब जी टोटली उसी तरह ही गुरु साहिब जी सेवा ले लैंदे ने। वाहिगुरु जी इन्हें जो कि है तो इन्नी इन्नी हैसियत नहीं हैगी, थोड़ा वड्डा पन है वाहिगुरु जी जो आप जी इन्ने का काबिल बना देंदे हो। शुक्राना वाहिगुरु जी, कृपा करके अपनी सेवा आप लो। वाहिगुरु जी थोड़े दिन ही हुए सी जिस तरह गुरु साहिब जी ने बाणी विच दसिया प्रचार दी सेवा गुरु साहिब जी ने लिती। एक दीदी सी जो गुरुद्वारा साहिब जी आंदे सी, उन्हां नूं कहा कि दीदी तुसी गुरुद्वारा साहिब जी आंदे हो, किन्नी बख्शिश है तुहाडे ते, किन गुरु साहिब जी किन्नी दया कीती है तुहाडे ते, तुहानूं अमृत वेला बख्शिया ते गुरु साहिब जी अपने प्यारिया नूं ही बख्शदे ने, ते क्यों तुसी अमृत क्यों नहीं छक लैंदे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल ना आने हैं गुरुद्वारा साहिब जी, ते बड़ी मुश्किल ना आया जांदा है। मैं कहा नहीं वाहिगुरु जी, तुहानू मैं अपना प्रैक्टिकल दसनी हाँ। मेरे हसबैंड नूं भी मैं कहा गठी की प्रॉब्लम सी, रसोली की प्रॉब्लम सी। गुरु साहिब जी ने उन्होंने इस तरह ठाया, पहला तो गुरु साहिब जी मैं बेबस हो गई। गुरु साहिब जी ने कहा कि गुरु साहिब जी मेरे वास्ते गल नहीं हैगी, इन्नियां दवाइयां घरे पईयां हुंदियां ने, मैं देख देख के परेशान हो जांदी हां। गुरु साहिब जी मेरे वास्ते गल नहीं, तुसीं आप जी कृपा करके कोई कला वरताओ। गुरु साहिब जी ने एक दिन इदां दा लियांदा कि जदों इन्हां ने कोई दवाई खाधी, कोई पेन किलर खाधी, ते वाहिगुरु जी इन्हां दे ना दिमाग ते रिएक्शन कर गई, ते उह इन्नी कु ज्यादा रिएक्शन कर गई कि वाहिगुरु जी इदां लगदा कि जिदां इन्हां नूं हुण नहीं बचदे। गुरु साहिब जी ने फिर बाद विच जदों होस्पिटल गए, गुरु साहिब जी ने कहा भला ही भला है, इदां ही आवाज गुरु साहिब जी अंदर सुना रहे सी। ते बाद विच गुरु साहिब जी ने अमृत दी दात दित्ती, ते उन्हां नूं सारी अपना प्रैक्टिकल दस्या, ते वाहिगुरु जी उन्हां ने अपने घर दे जीआं नूं गल क्लीयर कीती। ते वाहिगुरु जी उन्होंने, मैं कहा असली गल तो यही मेन गल तो ये कि जो उन्होंने प्रैक्टिकल गुरु साहिब जी ने सब कुछ भाना वरताया, तो गुरु साहिब जी की कृपा सदके उन्होंने रसोली भी ठीक हो गई, गठिया भी ठीक हो गया, तो गुरु साहिब जी ने वह सारिया दवाइया छड़ा दियां। तो वाहिगुरु जी उन्होंने बड़ा उत्साह मिलया। तो दूसरे दिन गुरुद्वारा साहिब जी गए, तो श्री गुरु साहिब जी अमृत वेले अपने सचखंड उत्थे जिथों गुरु साहिब जी का प्रकाश करते हैं, सारी संगत बैठ के सिमरन करते पे सी, अखां बंद कीतियां। तो वाहिगुरु जी जो सानू गुरु साहिब दी वडियाईयां सुनांदे ने, वीर जी ने अखां बंद कीतियां, उन्होंने कहा एक कि ज्यादा ही संत बन जांदा है, ज्यादा संत बन जांदे ने कई इदां दे। वाहिगुरु जी वो गल है ना, मैनूं बड़ी फील जी हुई है, ते पर बुरा नहीं लगा, मतलब कि गुरु साहिब जी इस चो कुछ समझाना चाहते हैं। मैं इस पॉइंट नूं फड़िया, मैं कहा वाहिगुरु जी इस चो कोई गुरु साहिब जी समझाना चाहते ने गल। ते वाहिगुरु जी राज कौर आंटी ने मेरे, वह बड़ी दूरों गुरुद्वारा साहिब जी आते ने मत्था टेकन, वह साढ़े इधर के एरिए ने। ते वाहिगुरु जी उन्हां एक बार तुहाडे कोल अरदास भी उन्होंने करवाई सी कि सुरती नहीं लगती, मन नहीं टिकदा। मैं ना तीन चार दिन बाद आई जो दीदी प्रेरिया, उस तो बाद उन्होंने कहा, मैं क्या जो आप क्लास च जाने गुरु बारे सीख जाने के, आप गुरु साहिब जी के सन्मुख हो के की कुछ आप गुरु साहिब जी प्रैक्टिकल मंगना है, उतो आप सीखना है, तो अरदास आप तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे करने हैं। ते मैं क्या सुरती इथों मंगनी है, सुरती गुरु साहिब जी ने कहना लवानी है,
ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੱਚੂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਹੀ ਸੂਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜੀ ਆਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਦੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰ ਵੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।